हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्परेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS PO की स्ट्रेटजी, मतलब जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होगी। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट कितना टाइम है, मैंने मेंशन किया है 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 13-14 अक्टूबर से आपके पेपर स्टार्ट हैं एंड यू आर हैविंग ओनली 2 मंथ्स, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने। तो इसमें आप कैसे प्रिपरेशन करो, पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जी हाँ, आप 2 महीने में अगर कड़ी मेहनत करें तो हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं। और कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बात करें अगर मैथमेटिक्स की, तो 20 मिनट का आपको टाइम स्लॉट दिया गया है, 35 क्वेश्चंस हैं आपके। पहला जो पार्ट है वो सिंप्लीफिकेशन, मतलब अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मतलब इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेटिंग टर्म्स दी जाएंगी जिसमें प्लस माइनस सब कुछ दिया होगा, आपको इक्वेशंस दी जाएंगी नंबर्स की एंड दे विल आस्क समथिंग, आंसर पूछे जाएंगे, जोड़ना घटाना गुणा करना, मतलब प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड एंड ऑल, ये सब दिया जाएगा। ये सिर्फ पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड हो, 10 से 15 नंबर का आता है, ये डन है। कितने का आएगा आपका, 10 से 15 नंबर का। और आपका अगर DI का पोर्शन बात की जाए तो DI के 2 DI आना आपकी डन है, कि 2 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, ये भी पूरा कैलकुलेटिंग बेस्ड है। पहली बात तो आपको खुद पता होगा IBPS PO के लिए जा रहे हो तो, कि आपको बैंकिंग सेक्टर में कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, तो DI भी पूरा कैसी रहती है, कैलकुलेशन बेस्ड। अगर मैं थर्ड पोर्शन पे जाऊँ तो नंबर सीरीज, अभी हम यहाँ देख रहे हैं पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो पूरा कैलकुलेटिंग ही बात हुई है, कैलकुलेशन पे बेस्ड ही बात हुई है। और फिर एट लास्ट में देखूं तो आपका चौथे नंबर पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी, जो कितने नंबर की है आपकी, 5 नंबर की, जो आना डन होती है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म में जो इक्वेशंस आती हैं और आपको कंपैरिजन पर करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, वो है ये, और आपको यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, बहुत आसानी से प्रैक्टिस करोगे तो ये स्कोर आप कर सकते हो। बात की जाए मिसलेनियस, तो मिसलेनियस 5 से 10 आपका वैरी करता है, कभी 5 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो पूरे रहते हैं आपके अदर टॉपिक से, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड टाइम। अगर मैं बात करूं आपका पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, इन सब का कॉम्बो रहता है। और दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग में एडवांस मैथ्स नहीं आती, सिर्फ मेंसुरेशन आता है, जो कि एडवांस मैथ्स का पार्ट आप काउंट नहीं कर सकते, जो कि आपका जनरल मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, एडवांस मैथ्स का कोई भी पोर्शन आपका बैंकिंग में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये रही बात, अब बात रही कि इसको कैसे प्रिपरेशन किया जाए, तो रात दिन लग जाओ, कैलकुलेशन अच्छे कर लो। हम लोगों ने पहले ही वीडियोस डाल रखे हैं कैलकुलेशन को कैसे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप देखोगे ना तो वर्बल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, उसके लिए मैंने वीडियो डाले हुए हैं, मतलब पेन का यूज़ कम हो गया ना, तो ये जो पोर्शन है आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए अब मैं धीरे धीरे वीडियोस आपके बनाना, अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, टॉपिक वाइज, कि हम कैसे क्या करेंगे, DI पे स्पेशल, कैलकुलेशन पे स्पेशल, और वीडियोस अपलोड करेंगे स्पेशली फॉर IBPS PO। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पैक्ट रखती हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट का टाइम है और क्वेश्चन है 35, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें 35 क्वेश्चन करने। भाई इसकी माइनस मार्किंग कितनी होती है, डू यू नो, इसकी माइनस मार्किंग होती है आपकी 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, हमको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि 20 मिनट के अंदर हमें सॉलिड पोर्शन करना है, मतलब जो करो सही करो। तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो आपकी होगी, कोई भी हमें तुक्का नहीं मारना है, साफ बात यह है कि हमें कोई भी आंसर गलत मन से नहीं लगाना है, जो सही आएगा सिर्फ उसे ही लगाओ, भले ही आपसे 20 करते बने 20 मिनट में, लेकिन कोई भी आप गलत लगाएंगे नहीं। और अभी प्रैक्टिस करने लगो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन में आने पर, जो नए हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, और जो अच्छे से पेपर दे रहे हैं वो लगातार मेहनत करते रहें, आप लोगों का पेपर ज़रूर निकलेगा। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2 की, तो वो है आपका रीजनिंग। उसमें अगर आप देखो तो कितने मार्क्स का है भाई, ये भी 35 का है, टाइम है 20 मिनट्स। ये पोर्शन मैं कहूँ तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग भी हो सकता है और पेपर स्पॉइलिंग भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स, कि ये जो पेपर है, पेपर का ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है रीजनिंग,
ये आपके मार्क्स बना भी सकता है और बिगाड़ भी। मतलब कहने का है यहाँ पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो इसमें टॉपिक है ये 15 से 20 नंबर का आता है आपका, 15 से 20 नंबर का आ रहा है, मतलब बहुत यही मेन हो गया, 35 में से 15 से 20 तो यही हो गया। लेकिन मैटर ये करता है कई बार कि हम गलत कर लेते हैं और हम उसी में उलझते जाते हैं। एक पजल करी अगर हमसे नहीं बनी तो हम वहीं पर अटक जाते हैं और हमें प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो कहीं भी, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, हमें कहीं भी इमोशनल होकर रुकना नहीं है कि हमें यहीं करना, छोड़ो आगे बढ़ो भाई, आगे भी तो क्वेश्चंस हैं। तो यही स्ट्रेटजी हमको यहाँ अपनानी है, ये आपका मेजर पोर्शन है। तो आपको पजल सिटिंग डेली लगानी है, वो भी घंटों, 2 से 3 घंटे डेली आपको प्रैक्टिस करनी है पजल और सिटिंग की। अगला टॉपिक है सिलॉगिज्म, इस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिसको भी दिक्कत है उसके तो सारे जो ऊपर वाला पोर्शन है पजल एंड सिटिंग इस पर भी हम लोग डालने वाले हैं वीडियोस, तो ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सिलॉगिज्म भी जिसको प्रॉब्लम है उसका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिलॉगिज्म सीधा 5 नंबर का, इसमें तो हमें एरर करनी ही नहीं है क्योंकि ये 5 नंबर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोर्शन आता है आपका इनइक्वालिटी का, जो कि कितने नंबर का है, 5 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, किसकी बात करूं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो कितने नंबर की आती है भाई, ये आती है 5 नंबर की। तो ये जो पोर्शन है मैंने नीचे लिखा है कोडिंग डिकोडिंग, एक्चुअली मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग मिला के आपके 5 से 10 नंबर के मार्क्स बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ 5वें नंबर पर मैंने लिखा है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंसिंग, और मैं अगर कहूँ आपसे तो प्रॉब्लम एंड कॉजेस, और जो ये टॉपिक है आपका है ना, इन सब पे भी आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो मेंस का पोर्शन है। प्रीलिम्स में ये पोर्शन बहुत है। प्रैक्टिस कहाँ पर ज़्यादा करनी है, पजल सिटिंग, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो पोर्शन है अगर ये हो गए तो आपके 20 से 25 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ आपके लास्ट टॉपिक, लास्ट सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। सिर्फ हम किसके स्ट्रेटजी आज डिस्कस कर रहे हैं मैं फ्रेंड्स, मेंस की नहीं, प्रीलिम्स की, किसकी, प्रीलिम्स की। तो यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के बारे में जो अभी हम कर ही रहे हैं, मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी बनेगी। इंग्लिश का जो पेपर है आपका वो 30 नंबर का है ना, कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। यहाँ पर तो आपको देखना क्या है, पहला अगर आप देखोगे तो आपका पहला पोर्शन आता है अनसीन पैसेज का, मतलब यहाँ पर अनसीन पैसेज, मेरा कहने का मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कौन सा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एंटोनिम सिनोनिम, उसी में आ जाते हैं, उसी में आपको पूरा पैसेज दिया रहता है और वो पैसेज आपको पूरा पढ़ना रहता है, वो पैसेज आपको पूरा रीड आउट करना रहता है। उसके बाद उसमें एंटोनिम सिनोनिम कुछ वर्ड्स ऐसे दिए रहते हैं जिनके एंटोनिम और सिनोनिम, मतलब अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको वोकैब पे मेहनत करनी है, ठीक है। और दूसरा देखें क्लोज टेस्ट, तो भाई क्लोज टेस्ट भी आपका 5 से 10, आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया रहता है जिसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं और वो आपको फिल करने पड़ते हैं जरूरत के हिसाब से, मतलब वहां पर क्या सुइटेबल होगा, है ना। तो ये आपको बहुत केयरफुल होकर करना रहता है। तीसरी बात करूंगा एरर डिटेक्शन, मतलब आपका कोई सेंटेंस लिखा है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस सेंटेंस के किस भाग में या पार्ट में आपकी एरर है, या ये भी पूछा जा सकता है किस पार्ट में एरर नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से, 5 से 10 का ये कवर होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ एरर डिटेक्शन, तो भाई एरर डिटेक्शन आपका क्या है, एरर डिटेक्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जो आपको फाइंड आउट करनी रहती, प्योर ग्रामर चाहिए, प्योर ग्रामेटिकल, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू, बन जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान रखो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी बात करें पैरा जंबल, जो पिछले कुछ सालों में 2-1 साल में अगर देखा जाए बहुत कम पूछा जा रहा है, लेकिन इसके आने के भी चांसेस 5 है। मतलब आपको क्या होता है जंबल करके, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको ऊपर नीचे करके सेंटेंस दे दिए जाते हैं एक पैराग्राफ के और बोला जाता है इसे सीक्वेंस के साथ जमाओ, ये कितने नंबर का होता है, 5। 5 नंबर का आपका स्पेलिंग चेक होता है, ये बहुत इजी पोर्शन होता है, लेकिन ये कभी पूछा जाता है और कभी नहीं, इसलिए आप देखोगे तो सबसे मेजर है आपका कौन सा, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन। ये 3 पोर्शन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए जिससे आप कम से कम 15 टू 20 मार्क्स आपके इंग्लिश में सिक्योर कर पाओ, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है अगर आपने मैथ्स में 20 टू 25 किए हैं।
आपने अगर इंग्लिश और रीजनिंग में 20 टू 25 किया देन 15 टू 20 एंड इनफ बट विथ एक्यूरेसी, मतलब अगर आप कर रहे हो देर शुड नॉट बी एनी तुक्का, मतलब यहाँ पर कोई भी तुक्का नहीं चलेगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बैंकिंग इज नॉट ईजी टास्क। अब आपका आखिरी में देखेंगे तो भाई मार्क्स कितने हुए 100, टाइम कितना हुआ 60 मिनट, इट डजंट मीन कि 100 के 100 करने हैं, 60 में से 55 60 करो, 60 कर रहे हो 55 करो, 55 कर रहे हो 60 करो, बट सॉलिड, जितना करो सॉलिड करो, बस यही आपके लिए मेरी स्ट्रेटजी है। और आने वाले लेक्चर्स में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कैसे अब आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हम लोग आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं क्वेश्चंस को लेके, जो आजकल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सब हम आपके साथ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.